जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही समय बचा हुआ है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रचार अभियान को धार देनी शुरू कर दी है। इसी बीच बीजेपी नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश में उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो आतंकियों के साथ में सहानुभूति रखते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि संसद पर हमला करने के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। जरा उसे पूछिए, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला कराने के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी नहीं तो क्या सार्वजनिक रूप से उन्हें माला पहनानी चाहिए थी? अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से, अफजल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। रे लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात कर रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में 40,000 नौकरियां पैदा हुई हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि साल 2022 के बाद से कश्मीर घाटी में ऑर्गेनाइज्ड पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं घटित हुई है। इसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां ये कह रही हैं कि सरकार बनी तो धारा 370 फिर से लाएंगे। कहां ये ले जाना चाहते हैं? पहले कश्मीर घाटी में बहुत से नौजवानों के हाथों में रिवॉल्वर और पिस्टल हुआ करता था, लेकिन अब उनके हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर है। ये बड़ा बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने लूटा है और इसे दीमक की तरह चाट गए हैं। चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी, इन सब के लिए जम्मू और कश्मीर सिर्फ एक एटीएम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके के लोगों को भारत में शामिल होना चाहिए, हम उन्हें अपना मानते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये सारा का सारा विवाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद शुरू हुआ है। उन्होंने अपने दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार का अफजल गुरु की फांसी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफजल गुरु को फांसी देने के लिए इसकी जरूरत होती तो जम्मू कश्मीर सरकार इसकी मंजूरी नहीं देती।